हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हालांकि लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में जो रिपीटेड पैटर्न हो रहा है उसके थ्रू जो पूछे जा रहे हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आज मैं कराने वाला हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि जितना छोटा हो सके क्वेश्चन को उतनी छोटे टाइम स्पैन में खत्म कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने के लिए। तो आज हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है दैट साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेस टू द पावर 4a। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैसे तो देखो पहला ही स्टेप बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंपली लिख लेते हैं। यहां से जो हमें LHS दिया हुआ है उसको कंसिडर करते हैं, और जो पूछा गया है उसको कंसिडर देखेंगे, उसको देखेंगे। हमें चाहिए यहां पे कॉस। देखो तो यहां पे लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, हमें चाहिए कॉस स्क्वायर ए और कॉस रेस टू द पावर 4। तो हम क्या करते हैं, साइन ए, साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हमें पता है, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, ये होता है वन। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, दिस इज द बेसिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, साइन ए को एज इट इज लिख देते हैं। साइन ए इज इक्वल टू, मैं साइन स्क्वायर ए को क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ इधर, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस स्क्वायर ए, तो हमारा ए कॉस स्क्वायर ए तो आ गया। बाकी बचा कॉस रेस टू द पावर 4a, ये कैसे आएगा, देखो यहां पे क्या है, साइन ए, साइन ए की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, और चाहिए क्या, कॉस रेस टू द पावर 4। तो मैं यहां पे साइन को अगर दोनों तरफ में स्क्वायरिंग कर दूं तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा इस तरफ, और इस तरफ क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस रेस टू द पावर 4a। ठीक है भाई, तो यहां से क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई, कॉस रेस टू द पावर 4a, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी, साइन ए। तो हम ऐसे जमा दें, जो ये क्वेश्चन ने के अंदर अगर जमा दें, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेस टू द पावर 4a, इसी की तो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए, लिख दिया साइन ए, प्लस कॉस रेस टू द पावर 4a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, वो भी लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। और देखो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्वेश्चन में ही दे रखा है, वन होती है वैल्यू, तो साइन ए और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू वन, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया, देन आंसर विल बी वन। दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट मेथड, फटाफट निकालो इसका आंसर, आई एम गिविंग यू 10 to 15 seconds, फटाफट देखो, क्योंकि लास्ट वाले की तरह पूरा सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं थोड़े, और बोर्ड एग्जाम्स में अब क्या है, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े, और एमसीक्यू हो गया है तो एमसीक्यू थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया एक्चुअली। मैं इसको इजी नहीं कहूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल में क्या होता था कि आप कुछ तो लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अब क्या हो गया है, या तो आपको नंबर मिलेंगे या फिर आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ कर दिया इस बार। ओके चलो देखते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, सेम पहले वाले की तरह वही आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। अब इस बार क्या करेंगे, पिछली बार हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, इस बार हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम तो इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू लिख दे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने दोनों वैल्यूज यहां पे लिख दिया। ओके अब क्वेश्चन देखते हैं, देखो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, एंड पूछा क्या गया है, साइन के टर्म्स में क्वेश्चन को पूछा है, तो क्या करते हैं, कॉस ए को इधर ही रहने देते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है भाई, जल्दी बोलो, साइन स्क्वायर ए के बराबर, तो यहां पे करेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए।
अब देखो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस ए, है ना। तो और यहां पे क्या है, साइन फोर ए, तो हम ऐसे लिख दें कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। और अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन रेज टू द पावर फोर ए। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, कॉस ए की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए के बराबर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होगी साइन फोर ए के बराबर। तो यहां पे क्या करते हैं, क्वेश्चन में ऐसे पूछा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज टू द पावर फोर ए, ठीक है। और अगर साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए, तो यहां पे लिख दिया कॉस ए प्लस साइन फोर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब देखो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ऑलरेडी वन दे रखा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन फोर ए की वैल्यू भी वन हो जाएगी। तो आंसर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर विल बी वन। दिस वॉज द वेरी सिंपलेस्ट मैथड, एक मैथड जिससे हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या करते हैं देखते हैं, चलो ओके। सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई किया हुआ है किसके साथ, वन माइनस साइन ए के साथ, और ऑप्शन दे रखे हैं साइन ए कॉस ए सेक ए एंड कोस ए के। तो इसमें क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कुछ भी समझ में ना आए कि क्वेश्चन को कहां से शुरू करें कहां खत्म करें, अगर क्वेश्चन साइन कॉस में नहीं है तो ये एक रामबाण है तुम्हारा, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं। तो इस ब्रह्मास्त्र को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में तोड़ दो, क्योंकि जब पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में टूट जाएगा उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं स्ट्रांगनेस के लिए, तो क्वेश्चन बन जाएगा वीक, और हम वीक क्वेश्चन के ऊपर चोट मारेंगे। चलो अब देखते हैं हम क्या करते हैं, सेक ए, सेक को क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा। तो वही चीज मैं यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं, और सेम ऐसे ही देखो यहां पे अगला क्या है, टेन थीटा, तो टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इन्हीं ब्रह्मास्त्र को मैं यहां पे इस्तेमाल करने वाला हूं। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन को, मैं एज इट इज लिखता हूं, सेक ए प्लस टेन ए किसके साथ मल्टीप्लाई है, वन माइनस साइन ए के साथ है। तो सेक को अगर मैं कन्वर्ट करूं कॉस, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो सेक को कन्वर्ट करूं कॉस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस, यहां लिख दिया मैंने वन अपॉन कॉस, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ऑलरेडी साइन में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, तो यहां लिख देंगे वन अपॉन वन माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, कॉस ए, कॉस ए मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन ए, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई है, वन माइनस साइन ए के साथ। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, भाई आइडेंटिटी तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पे वो आइडेंटिटी हमारे पास बन गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को मान लिया वन, वन का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, साइन, तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस ए, ठीक है। और ये क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो यहां पे इसको ऊपर वाले को क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बन जाएगा, कॉस ए, तो एक कॉस से कॉस स्क्वायर को काट दें, बचेगा क्या, कॉस ए, एंड दिस विल बी योर आंसर। सो दिस इज द ब्रह्मास्त्र विच यू वी हैव यूज्ड, और इस टाइम में क्या होगा, हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में तोड़ देंगे किसी भी क्वेश्चन को, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है, तो इससे हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ओके। सो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या है, क्वेश्चन इज वन प्लस टेन ए प्लस सेक ए मल्टीप्लाई बाय वन प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन लंबा जा रहा है, तो क्या करेंगे, हम अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेंगे, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है, क्वेश्चन को साइन कॉस में तोड़ देना।
तो सिंपली क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में तोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए अब वन प्लस टैन थीटा क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस सेक ए क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस ए, ठीक है। और इधर क्या आएगा, वन प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, ठीक है भाई। इतना करने के बाद क्या करते हैं, अब सिंपल एलसीएम ले लो, और कोई दूसरा स्टेप नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम इसका क्या आएगा, कॉस ए, और ऊपर क्या आएगा, यहां पर देखो वन प्लस है तो एलसीएम आया, इसके नीचे भी वन माना, एलसीएम आया कॉस ए, तो यहां जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, ठीक है भाई। यहां पे देखो ऐसे ही, यहां पे एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, और ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन, ठीक है। अब देखो फिर से वही चीज बन रही है यहां पे, इसको पूरे को मैं मान लेता हूं क्या, कॉस ए प्लस साइन ए को, कॉस ए प्लस साइन ए को मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया वन को बी, ऐसे यहां पे साइन ए प्लस कॉस ए को मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ठीक है। तो ये देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर से वही आइडेंटिटी बन रही है। तो क्या करेंगे, सिंपली लगा देते हैं कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे बच गया क्या, साइन ए कॉस ए। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर यहां पे इस स्टेप में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको ध्यान से समझो, ठीक है। यहां पे क्या किया हमने, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया, ठीक है। तो आइडेंटिटी वही हमारे पास बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली क्या बनती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो वही चीज यहां पे बनी, हमने क्या किया, अब देखो ये पूरा ए लिया हुआ है, कॉस ए प्लस साइन ए को हमने पूरे को ए लिया, तो इसके लिए पूरे के ऊपर होल स्क्वायर बन गया। अब यहां पे एक चीज कॉमन ये नोट करो, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से बना, एक और आइडेंटिटी फिर से बनी, तो हम क्या करेंगे, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर को स्प्रेड कर खोल देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन, भाई वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए एंड कॉस ए मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, वन, ठीक है, प्लस टू साइन ए कॉस ए माइनस वन, और नीचे क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए, ये प्लस का वन ये माइनस का वन, इसको हम काट दें, बचेगा क्या, टू साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए से साइन ए गया, कॉस ए से कॉस ए गया, आंसर क्या आ गया, टू, ऑप्शन विल बी सी विल बी दी आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले वीडियो को एक बार पॉज कर लिया करो, ठीक है, और उसके बाद फिर इनको सॉल्व, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर नहीं आते हैं तब आप सॉल्यूशंस देखो। तो ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये एक्चुअली काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो काफी बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करोगे तो जो इसके टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज sec raised to the power 4a माइनस sec स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। देखो जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, इन क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि आपको आपके जो दिमाग की जो सोचने की पावर है ना उसको बढ़ाना, ठीक है, सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पे देखो sec raised to the power 4a माइनस sec स्क्वायर ए, और आंसर देखो सारे किसमें है, tan में, तो एक सिंपल सी बात है साइन कॉस में तो टूटेगा नहीं क्योंकि सारे आंसर किसमें आ रहे हैं, देखो tan में, और हमारे पास sec और tan की एक आइडेंटिटी है, कौन सी, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, इसका मतलब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि इसमें क्या है tan और sec की आइडेंटिटी है, और देखो ऑप्शन को भी ध्यान से नोटिस करो, सारे के सारे ऑप्शन tan स्क्वायर में है, इसका मतलब क्लियरली एक क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि वन प्लस टेन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करो, तो वही यूज करते हैं। यहां पे क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें से sec raised to the power 4, हमारे पास sec raised to the power 4 की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं,
तो हम क्या करेंगे, इस sec raised to power 4 को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कर लेते हैं, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे की ऐसे नीचे लिख देता हूं, 4a माइनस sec स्क्वायर a, ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, इसमें से ये जो sec स्क्वायर a है इसको हम खींच के बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो खींच के बाहर, इस sec स्क्वायर a को हमने बाहर निकाल लिया और कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर a ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब यहां से देखो sec स्क्वायर a चला गया बाहर, तो यहां क्या बचेगा, सिंपल sec स्क्वायर a माइनस 1, इसकी जगह पे 1 क्योंकि ये तो बाहर चला गया। तो अब देखो यहां पे sec स्क्वायर a बाहर आ गया, अब सारे के सारे जो है स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए, अब हम इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं, आराम से लगा देते हैं, ठीक है। जैसी आइडेंटिटी लगेगी तो कैसे लगेगी भाई, ये जो sec स्क्वायर a है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 को ऐसे कैसे उतार दिया। अब देखो इस 1 से और ये माइनस 1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, काट देते हैं, ये बचेगा क्या, sec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a, ठीक है भाई। अब इस sec स्क्वायर a को वापस से, क्योंकि देखो हमें आंसर किसमें चाहिए, सारे के सारे आंसर किसमें है, tan में, ऑप्शंस किसमें है सारे, tan स्क्वायर के अंदर है और tan 4 के अंदर है, तो इस sec स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा, और वो कैसे हटाएंगे, इसी आइडेंटिटी से। तो लिख देते हैं sec स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर a इस sec स्क्वायर a को, और tan स्क्वायर a को वैसे की वैसे उतार दिया, ठीक है। तो अब इस tan स्क्वायर को वापस अंदर भेज दें, कितना बन जाएगा, tan स्क्वायर a इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे कर देते हैं, प्लस tan raised to the power 4 a, आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर a प्लस tan raised to the power 4 a, द आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो इस टाइप की जो वीडियोस है, इस टाइप की जो क्वेश्चंस है, एक्चुअली इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज कर लिया करो, ओके ओके। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो वीडियो पूरी देखना, इससे क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, इससे बहुत सारा थिंकिंग पावर आपकी बढ़ने वाली है। तो अब देखो क्वेश्चन में बोलता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। अब बच्चे इसमें चक्कर खा जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का एक्चुअली, एक तो इसके ऑप्शन भी डरावने हैं, ठीक है, तो ऑप्शन देख के डरना नहीं है अपने को। तो अब क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसको जो पूछा गया है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक्चुअली इसमें क्या लिखा हुआ है, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये इसने पूछा है, हमारे पास वैल्यू किसकी है, tan की। तो अब इसको करने के दो तरीके हैं, बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ करेंगे, इस tan को कन्वर्ट कर लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा में, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। अब कुछ बोलेंगे sin की वैल्यू a, cos की वैल्यू b, और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत होगा, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व कर, देखो अगर मैं इसको cos से डिवाइड कर दूं पूरे क्वेश्चन को, ऊपर नीचे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो क्या बन जाएगा ये, अगर मैं इसको cos से नीचे डिवाइड कर दूं, इसको भी cos से, इसको भी cos से, इसको भी cos से, तो क्या बन गया ये, 1 माइनस बाई cos बाई cos, तो 1 1 माइनस sin बाई cos tan थीटा, और ये क्या बन गया, cos बाई cos 1, और ये क्या बन गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। तो देखो हमने tan थीटा में इसको कन्वर्ट कर लिया, और हमें पास tan की वैल्यू दे रखी है, tan की वैल्यू कितनी है, a अपॉन b, तो 1 माइनस tan की जगह पे क्या पुट कर दें, a अपॉन b, और यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस, सॉरी यहां पे प्लस है ऊपर, तो यहां पे क्या आ जाएगा नीचे, 1 माइनस a अपॉन b। अब क्या करें, इनका एलसीएम ले लें, बिल्कुल ले लें, तो ऊपर आ जाएगा b प्लस a अपॉन, नीचे एलसीएम b, और इसका क्या आ जाएगा, b माइनस a अपॉन b, तो b से b को काट दें, क्या बचेगा, b प्लस a अपॉन b माइनस a, दिस विल बी योर, और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर c, ऑप्शन नंबर c विल बी दी करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इनको सीखना है एक्चुअली कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन देखो, पहले ट्राई करो खुद सॉल्व करने की, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है,
ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा गया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन करने से पहले उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पहला ही स्टेप पता नहीं चलेगा क्या लेना है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो शुरू में क्या करेंगे, देखो हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करेंगे और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। देखो ऑप्शंस की चाहिए किसमें चाहिए हमें, कॉस में और साइन का भी ऑप्शन है। इट मींस क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इसको साइन कॉस में तोड़ो, और कोई चारा नहीं है, नहीं तो ऑप्शंस के मैच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको साइन कॉस में तोड़ देते हैं, तोड़ के देखते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर मैं इसको साइन कॉस में तोड़ दूं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख दें, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब इस होल स्क्वायर को अंदर ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मतलब अलग अलग कर लेते हैं तो ये बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर अगर हमने वन माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर इसको खोल दिया तो ये साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा यूनिट्स आ जाएंगी क्वेश्चन के अंदर। तो इसको ना सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि नीचे देखो कॉस भी है और नीचे साइन भी है और हमारे पास आइडेंटिटी भी है, और वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहां पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहां क्या बनेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बन गया। अब इस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, फिर से भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा, वन माइनस कॉस थीटा एंड वन प्लस कॉस थीटा, ये पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी। और वन माइनस कॉस थीटा एक कॉस थीटा से इसका स्क्वायर को काट दे तो क्या बचेगा, यहां पे वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, दिस विल बी दी आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर बी के अंदर आई थिंक, हाँ ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस की थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोचना है। तो एक्चुअली करना क्या है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है सबसे पहले कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, देखो क्वेश्चन था कॉसेक और कॉट में लेकिन ऑप्शन है सारे कॉस और साइन में, तो इसलिए हमने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन दैट साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, कॉस बाय वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, पहले से ही क्वेश्चन साइन कॉस में टूटा हुआ है और ऑप्शन भी सारे साइन कॉस के अंदर ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से बचने के लिए क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो रेशनलाइज करने के लिए देखते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका साइन ऑपोजिट ऊपर और नीचे इधर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा और यहां क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद साइन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, देखो ऊपर क्या किसी वन माइनस कॉस थीटा है, बिल्कुल है, क्वेश्चन तो आधा यही खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो साइन थीटा वन माइनस कॉस थीटा, अब नीचे वाले को क्या करें, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को किसमें कन्वर्ट कर ले, साइन में, वो जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन और
कॉस स्क्वायर को अगर मैं वहां ले जाऊं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन से इसका एक साइन काट दे, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, दिस विल बी दी आंसर। और ये ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी अपलोड करने वाले हैं, नॉट ओनली मैथ्स, वी विल कवर द सिलेबस ऑफ साइंस इवन SST, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अभी लॉट ऑफ चीजें हमारे चैनल पे आना बाकी है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, जितना हो सके अपने दोस्तों की मदद करें, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।